के दीगरा शहर में रविवार को संपन्न हुए एक शादी समारोह के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय सद्भावना की मिसाल स्थापित की गई है। इस समारोह में किसानों की विधवाओं को सिलाई मशीनें वितरित करने के साथ ही शादी में आए मेहमानों का स्वागत भारत के संविधान की कॉपी और शिवरायंचे निष्ठावान मुस्लिम सैनिक नामक किताब देकर किया गया। पेश है दीगरा संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। भारत देश में शादियों का होना वैसे तो कोई नई बात नहीं, लेकिन शादी में आत्महत्याग्रस्त किसानों की जरूरतमंद विधवाओं को सिलाई मशीनें देना और बारातियों सहित मेहमानों का स्वागत भारत देश के संविधान की कॉपी और शिवरायांचे निष्ठावान मुस्लिम सैनिक जैसी महानतम किताब देकर करना, यह बात बेहद अनोखी और काबिले तारीफ है। दिग्रस शहर में इस अनोखी पहल को साकार कर स्थानीय उर्दू स्कूल के सहायक शिक्षक तथा पत्रकार मजहर अहमद खान ने अपनी बेटी की शादी पर एक यादगार मिसाल कायम की है। मालूम हो कि इससे पहले भी अपनी बड़ी बेटी की शादी में मजहर खान ने चुनिंदा दिव्यांगों को 3 पहिया साइकिलें प्रदान की थी। इस बार उनकी बेटी मुनव्वर ताज का रविवार को विवाह संपन्न हुआ। तब इस विवाह समारोह में शिक्षक विधायक एडवोकेट किरण सरनाईक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री माणिकराव ठाकरे, वाशिम जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल, अकोला के उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़ से, महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष रामू पवार, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आदित्य मिरखेलकर, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी प्रमोद सूर्यवंशी, तहसीलदार सुधाकर राठौड़, पुलिस निरीक्षक पांडुरंग फाड़े, बाबुड़गांव के तहसीलदार विठल कुमरे आदि सहित स्थानीय नेतागण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस दौरान आत्महत्याग्रस्त किसानों की विधवाओं की विकट आर्थिक स्थिति को देखते हुए संगीता अशोक तुमा ने माला दिनेश राठौड़, अंजुम परवीन शेख अयूब, सुनीता प्रहलाद मोहकर और संगीता अरुण लोखंडे, इनको सिलाई मशीनें दी गई ताकि वे अपने परिवार को आर्थिक तौर पर बल प्रदान कर सके। इस दौरान बारातियों और मेहमानों का स्वागत भी संविधान की कॉपी देकर और शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक नामक बेहद उम्दा किताब से किया गया। गौरतलब है कि इन दिनों देश की फिजा में जहां कुछ सियासी लोग नफरतबाजी का जहर घोलने का खेल जात धर्म आस्था और फर्जी इतिहास के सहारे खेल रहे हैं, ऐसे माहौल में मजहर अहमद खान ने अपनी बेटी की शादी में आत्महत्याग्रस्त किसानों की विधवाओं को सिलाई मशीनें प्रदान करने के साथ ही शादी में आए मेहमानों का स्वागत बेहतरीन किताबों से कर राष्ट्रीय सौहार्द और सामाजिक एकता को हकीकत में साकार किया है, जिसकी तारीफ समाज के हर स्तर पर की जा रही है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।